जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। हरतालिका तीज व्रत, जिसे बड़ी तीज भी कहा जाता है, यह अन्य सभी तीज व्रतों में सबसे कठिन तीज व्रत माना जाता है, क्योंकि इस तीज व्रत में 24 घंटे बिना जल ग्रहण किए अर्थात निर्जल रह के व्रत किया जाता है और पूजन अपना संपन्न किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत जो सुहागन औरतें होती हैं, वो अपने पतियों की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत को करती हैं। वहीं जो कुमारी लड़कियां होती हैं, इस व्रत को अच्छा घर परिवार पाने के लिए और योग्य पति की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती हैं। हरतालिका तीज व्रत को सुहागन औरतें और कुंवारी लड़कियां दोनों ही कर सकती हैं। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने संपन्न किया था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज का जो व्रत है, यह भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की बालुकामय मूर्ति अर्थात कच्ची मूर्ति का पूजन अर्चन किया जाता है। कच्ची मूर्ति का यहाँ तात्पर्य है कि मूर्ति को अग्नि में पकाया नहीं जाता है। अब कच्ची मूर्ति को जब हम जल में डालते हैं तो वो कुछ क्षणों के पश्चात जल में वो बिल्कुल विलीन हो जाता है। तो इस दिन बालुकामय मूर्ति की, भगवान शिव और माता पार्वती की बालुकामय मूर्ति का पूजन अर्चन किया जाता है। हरतालिका शब्द का अगर संधि विक्षेप किया जाए तो शब्द जो बनता है वो है हरत प्लस आलिका। हरत का यहाँ पे तात्पर्य है अपहरण करना और आलिका का यहाँ पे तात्पर्य है सहेलियाँ। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और उनको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन जो उनके पिता थे वो माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, जिससे माता पार्वती अत्यंत ही दुखी थी। माता पार्वती की जो सहेलियां हैं वो माता पार्वती का अपहरण करके माता पार्वती को एक घने जंगल में ले जाती हैं, ताकि उनके पिता उनके मन के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से ना कर सकें। माता पार्वती उस घने जंगल में कठोर तपस्या करती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव माता पार्वती को पति के रूप में प्राप्त करती हैं। यहीं से इस व्रत का प्रारंभ हुआ है। भगवान शिव और माता पार्वती ने ऐसा आशीर्वाद दिया हुआ है कि जो भी विवाहित स्त्रियां भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है, इस दिन निर्जल रह के 24 घंटे भगवान शिव और माता पार्वती की जो बालुकामय मूर्ति है उसका पूजन अर्चन विधि विधान से करती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। वहीं अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने कुंवारीपन में ही इस व्रत को किया था, तो कुंवारी लड़कियों को भी आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो कुंवारी लड़कियां इस दिन व्रत करती हैं, विधि विधान के संग पूजन अर्चन करती हैं, उन्हें अच्छा घर परिवार और योग्य पति की प्राप्ति होगी। तो यह जो व्रत है, ये सुहागन औरतें और कुंवारी लड़कियां दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 2024 भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर दिन गुरुवार की दोपहर में 12:21 से हो रहा है और तृतीया तिथि का समापन 6 सितंबर दिन शुक्रवार की दोपहर में 3:01 में हो रहा है और यहाँ से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस साल का जो हरतालिका तीज व्रत है वो 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा, उनके मन में ये शंका उठेगी कि 5 सितंबर दिन गुरुवार को हमें तृतीया तिथि प्राप्त दोपहर से ही हो जा रही है 12:21 से, अब प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में भी हमें तृतीया तिथि प्राप्त हो रही है, तो यह जो व्रत है तो तृतीया तिथि का व्रत है। अब प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, तो 5 तारीख को यह व्रत रखा जाना चाहिए, क्योंकि 6 तारीख को जिसमें प्रदोष काल रहेगा तो उसमें तो चतुर्थी तिथि रहेगी, उसमें तो तृतीया तिथि रहेगी भी नहीं, तो इसलिए यह जो व्रत है वो 5 तारीख को 5 सितंबर को रखा जाना चाहिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर व्रत का अपना एक मान्यता होती है, उसकी एक विशेषता होती है, उसके अनुसार वो व्रत रखा जाता है। तो जो हरतालिका तीज व्रत है उसकी विशेषता यह है कि जो तृतीया तिथि है इसमें उदया तिथि में अर्थात सूर्योदय के समय में हमें प्राप्त होना चाहिए। तो 5 सितंबर को उदया तिथि में हमें तृतीया तिथि प्राप्त नहीं हो रही है, भले ही प्रदोष काल में हमें प्राप्त हो रही है लेकिन उदया तिथि में प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन जो 6 सितंबर दिन शुक्रवार को हमें उदया तिथि में तृतीया तिथि प्राप्त हो रही है, जो कि लगभग पूरे दिन है, दोपहर में 3:01 तक है और संध्या काल में हमें चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है। तो अगर उदया तिथि में हमें तृतीया तिथि प्राप्त हो गई तो वो पूरे दिन मान्य होती है, तो चतुर्थी तिथि में हम प्रदोष काल में अगर पूजन कर रहे हैं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बिना किसी संशय के, बिना कोई मन में प्रश्न किए, जो यह जो व्रत है वो 6 सितंबर दिन शुक्रवार को ही मनाया जा रहा है और मन में कोई भी शंका या कोई भी अपने संशय ना रखें। इसके साथ ही साथ इस साल का जो हरतालिका तीज व्रत है वो बहुत ही शुभ योगों में संपन्न हो रही है, क्योंकि इस साल का जो हरतालिका तीज व्रत है वो शुक्ल योग में, ब्रह्म योग में और रवि योग में संपन्न हो रहा है।
शुक्ल योग और ब्रह्म योग हमें पूरे दिन प्राप्त हो रहा है, और जो रवि योग है वो 6 सितंबर की सुबह में 9:25 से प्रारंभ हो जा रहा है और पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही श्रेष्ठ है। हरतालिका तीज व्रत का अपना महत्व है। ऊपर से शुक्रवार का दिन है जो कि माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, सुख समृद्धि वैभव का दिन माना जाता है। ऊपर से इतने अच्छे योग में संपन्न होना, इस साल के हरतालिका जो तीज का महत्व जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और इससे जो हमें फल प्राप्त होगा वो बहुत ही अच्छा से फल हमें प्राप्त होगा। हरतालिका तीज व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का तो महत्व होता ही है, इस व्रत में प्रातःकालीन पूजा का भी विशेष महत्व होता है। व्रतराज के हिसाब से अगर आप स्वयं से भी पढ़ेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, तो उसमें हरतालिका तीज व्रत का प्रातःकालीन पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो 6 सितंबर को जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 4:09 से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जा रहा है, और इस दिन के सूर्योदय का जो समय है वो सुबह में 5:41 पे सूर्योदय का समय है। तो इस समय इस दिन प्रातःकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 5:41 से लेकर सुबह में 8:11 तक है, और 6 सितंबर को प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:11 से लेकर शाम में 7:20 तक है। प्रदोषकालीन पूजा के लिए इस दिन आप शाम के 4 बजे से ही अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि जो पूजा की तैयारियां होती हैं उसको प्रिपरेशन करने में समय लगता है, और स्वयं का भी श्रृंगार करने में समय लगता है, क्योंकि इस पूजा में 16 श्रृंगार करके पूजा में बैठने का महत्व होता है। तो स्वयं के श्रृंगार में और पूजा की तैयारी में काफ़ी समय लग जाता है, तो 4 बजे से ही अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए, तैयारियाँ जो प्रारंभ कर दीजिएगा, और 6:11 से अपना पूजा जो है वो आप प्रारंभ कर दीजिएगा। हरतालिका तीज व्रत में महिलाएं जो हैं वो 16 श्रृंगार करके पूजा में बैठती हैं, क्योंकि उनकी ये सुहाग का व्रत होता है, तो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो महिलाएं बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करके इस व्रत में बैठती हैं। इस दिन महिलाएं नई साड़ी पहनती हैं, नई चूड़ियाँ पहनती हैं, नई बिंदी लगाती हैं, हाथों पैर में अपनी मेहंदी लगाती हैं, पैर में अपने महावर लगाती हैं, पायल पहनती हैं, बिछिया पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, जो शादी के समय हमारा नथिया और टीका हमाम टीका में चढ़ा होता है वो पहनती हैं। इसके साथ ही साथ जिस सिंदूर से हमारी शादी हुई रहती है, कुछ जगहों पे पीले सिंदूर से शादी होती है और कुछ जगहों पे लाल सिंदूर से शादी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि माता पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री उन्हें अवश्य अर्पित कीजिएगा, और अपने लिए स्वयं के लिए नई चूड़ी और सिंदूर माता पार्वती को आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। हरतालिका तीज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज मैं आगे भी आपको अपलोड करूंगी, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सभी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।